नमस्ते दोस्तों, मैं रश्मि भगत करी बास्केट में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर बेल आइकन दबाइए मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज मैं आपसे फिर से बहुत सिंपल, क्विक और टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, ओरियो पकौड़ा। ओरियो पकौड़ा खाने में बहुत टेस्टी लगता है, ये बाहर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत मॉइस्ट रहता है। तो चलिए देखते हैं ओरियो पकौड़ा कैसे बनाई जाती है और इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी। ओरियो पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मैदा 1 कप, चावल का आटा 3 बड़े चम्मच, ओरियो पाउडर्ड शुगर 3 बड़े चम्मच, बेकिंग सोडा 1/4 छोटी चम्मच, वनीला एसेंस 1/4 छोटी चम्मच, पानी बैटर तैयार करने के लिए आवश्यकता अनुसार, और पकौड़े तलने के लिए तेल भी ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे इंग्रेडिएंट्स। अब हम पकौड़े के लिए बैटर तैयार कर लेंगे। उसके लिए हम एक बाउल लेंगे, उसमें डाल देंगे मैदा और चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसके जगह में अरारोट या कॉर्नस्टार्च भी ले सकते हैं। पाउडर शुगर डाल देंगे, बेकिंग सोडा भी डाल देंगे। अब हम इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारे जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए थिक बैटर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और थिक बैटर तैयार कर लेना है। इकट्ठा पानी नहीं डालेंगे वरना हमारे बैटर में लम्स बन सकते हैं, और इकट्ठा पानी अगर हम डाल देंगे तो सही कंसिस्टेंसी का हमारा बैटर तैयार भी नहीं हो पाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा बैटर बन करके तैयार हो चुका है। बैटर हमें बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी का चाहिए। अब हम तेल गरम कर लेंगे। तेल गरम करने के लिए कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा देंगे। मैंने यहाँ कढ़ाई चूल्हे में पहले ही चढ़ा करके रखा है। अब हम इसमें तेल डाल देंगे। तेल को हमने मीडियम आंच पर गरम करना है। तेल हमारा गरम हो चुका है। अब हमें ओरियो के बिस्किट को बैटर में डिप करना है बिल्कुल अच्छी तरह से। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से। अब ओरियो को हम तेल में डाल देंगे। अब हमें ओरियो को सुनहरा भूरा होने तक तल लेना है। ओरियो हमारा सुनहरा भूरा हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे और ठीक इसी तरह हम बचे हुए ओरियो को भी तल करके तैयार कर लेंगे।
लीजिए फ्रेंड्स, ओरियो के पकोड़े बन करके तैयार हो चुके हैं। ओरियो के पकोड़े बहुत ही टेस्टी बने हैं। बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी, अंदर से मॉइस्ट और क्रीमी है। आप भी ये रेसिपी घर पर जरूर ट्राई करिए और मुझे बताइए कि आपको ओरियो के पकोड़े खाने में कैसे लगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।